show you off in limos out on Collins. I be. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी 700 के बारे में। अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 200 bhp की पावर निकालेगा एंड 380 nm का टॉर्क। दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करें तो वो रहेगा 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो कि 153 bhp की पावर निकालेगा एंड 360 nm का टॉर्क। ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार होने वाली है जो कि ये काफ़ी कम प्राइस के अंदर आने वाली है। इसके अंदर आपको टोटल चार वेरिएंट मिल जाएंगे जो कि रहेंगे MX, AX3, AX5 एंड AX7 जो कि रहेगा टॉप एंड वेरिएंट। अब बेस वेरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे, स्मार्ट डोर हैंडल्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यू फीचर है एंड इसके साथ आपको एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे लेकिन फोल्डेबल नहीं मिलेंगे। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा एंड अगर व्हील बेस की बात करें तो इसके अंदर आपको 2750 mm का व्हील बेस मिल जाएगा एंड इतने कम प्राइस रेंज में आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू क्रेटा या फिर सेल्टोस के पेट्रोल इंजन से। डीजल इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का टर्बो MHOG डीजल इंजन मिल जाता है। बेस मॉडल के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है जो कि खाली एंड्रॉयड ऑटो को ही सपोर्ट करता है। इसी के साथ 7 इंच का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है जो कि डिजिटल रहेगा एंड अगर बेस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप इसकी AX सीरीज लेते हैं तो इसके अंदर आपको 10.25 इंच की एक बड़ी स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर आपको 12 स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि साउंड एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देते हैं इंटीरियर के अंदर। एंड AX सीरीज के अंदर काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि स्काई रूफ एंड काफ़ी सारे सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स। एंड अगर आप इसका AX7 वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं एंड अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक आती है इसके हर एक वेरियंट के अंदर। इसकी टच स्क्रीन की बात करें तो ये आपको AX3 वेरियंट से मिलनी स्टार्ट हो जाती है एंड ओवरऑल इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड अप मार्केट फील देता है। इसके MX या फिर AX3 वेरिएंट के अंदर आपको 17 इंचेस के स्टील व्हील मिलेंगे एंड अगर LED हेडलैम्प की बात करें तो वो आपको AX5 वेरिएंट से मिलने स्टार्ट होंगे। सो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होने वाला है जो कि महिंद्रा की तरफ से आएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।